भारत के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ मुंबई प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में नॉर्थ मुंबई पैंथर्स की तरफ से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। 8 टीमों वाली ये लीग पानखड़े स्टेडियम में 14 से 26 मई तक खेली जाएगी। शॉ ने आईपीएल के 12वें सीजन में अब तक 132.72 के स्ट्राइक रेट से 292 रन बनाए हैं। भारत के टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा 14 मई से शुरू होने वाले सौराष्ट्र प्रीमियर लीग के मैचों में खेलते हुए दिखाई देंगे। टेस्ट स्पेशलिस्ट पुजारा पिछले कुछ समय से विभिन्न T20 लीग में खेल रहे हैं, जिसमें डीवाई पाटिल T20 कप भी शामिल है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। ओवल में हुए मैच में बारिश से पहले सिर्फ 19 ओवर का खेल हो सका था। इस दौरान पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर 80 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फिल्टॉफ ने जोफ्रा आर्चर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आर्चर एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय इंग्लैंड टीम में शामिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में भी आर्चर ने 4 ओवर में 2 ओवर मैडन फेंकते हुए महज 6 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम ने पश्चिम ऑस्ट्रेलिया थंडर टिक्स के खिलाफ हुए मुकाबले को 2-0 से अपने नाम किया। भारत की तरफ से वीरेन लाकड़ा ने 23वें मिनट और हरमनप्रीत ने 50वें मिनट में गोल किए। भारतीय टीम 15 और 17 मई को ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम से मैच खेलेगी। चैंपियंस लीग में टोटेनहम हॉटस्पर ने अजाक 3-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। टोटेनहम की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। टोटेनहम की टीम फाइनल में इंग्लिश क्लब लिवरपूल से 1 जून को खेलेगी। मैड्रिड ओपन में स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल ने कनाडा के फेलिक्स को 6-3, 6-3 से सीधे सेटों में शिकस्त दी। इसी के साथ वर्ल्ड नंबर 2 इस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के तीसरे दौर में भी एंट्री कर ली है। क्रोशिया के इगोर स्टमाक भारतीय मेंस फुटबॉल टीम के कोच पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। AIFF ने कोच पद के लिए 4 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया, जिनका वो इंटरव्यू लेगी। इस लिस्ट में इगोर के अलावा लिंग मिंग सुंग और एल्बर्ट रोका भी शामिल हैं। नेक्स्ट, थाईलैंड में होने वाले 47वें किंग्स कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम कैरेबियाई देश कुराकाओ से भिड़ेगी। ये मुकाबला 5 जून को खेला जाएगा। थाईलैंड फुटबॉल संघ ने 4 टीमों के इस टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया। 5 जून को भारत के मुकाबले के अलावा एक और मैच खेला जाएगा। हीरो इंडियन वुमेन्स लीग में SSB वुमेन्स फुटबॉल टीम ने राइजिंग स्टूडेंट को 1-0 से शिकस्त दी। इस बेहद रोमांचक मुकाबले का एकमात्र गोल संगीता बास फोरे ने 35वें मिनट में किया।